क्रिकेट जगत से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए क्रिकेट की खबरें सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको किंग्स इलेवन पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला गया आईपीएल का 50वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 400 लाइक रखा है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। आईपीएल 2020 का 50वां और एक और रोमांचक मुकाबला लोकेश राहुल की किंग्स इलेवन पंजाब और स्टीव स्मिथ की राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 7 विकेट से पंजाब की टीम को मात देकर पॉइंट टेबल्स में 2 महत्वपूर्ण पॉइंट अर्जित कर लिए हैं। दोस्तों, इस मुकाबले में राजस्थान की शुरुआत तो तूफानी रही। ओपनिंग करने आए बेन स्टोक और रॉबिन उथप्पा ने राजस्थान की टीम को जबरदस्त शुरुआत दी। इन दोनों ने मिलकर पावर प्ले में लगभग 10 की औसत से रन बनाए। इन दोनों ने पहले 5 ओवर में 60 रन बनाए जिसमें से 50 रन तो खुद बेन स्टोक ने बना दिए, लेकिन पारी का 6वां ओवर डालने आए क्रिस जॉर्डन ने बेन स्टोक को दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट कराकर पंजाब की टीम को पहली बड़ी सफलता दिलाई। बेन स्टोक ने अपनी इस पारी में 26 गेंदों में 192 के स्ट्राइक रेट से 50 रनों की अर्धशतक की पारी खेली। बेन स्टोक के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए संजू सैमसन ने रॉनवेन उथप्पा के साथ मिलकर राजस्थान की पारी को उसी तेजी से आगे बढ़ाया। बेन स्टोक के विकेट गिरने का कोई भी दबाव अपने ऊपर ना लेते हुए इन दोनों ने उसी रन रेट से रन बनाना जारी रखा। इन दोनों ने 10वें ओवर में अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन पारी का एक 11वां ओवर डालने आए मुर्गन अश्विन ने अच्छी बल्लेबाजी कर रहे रॉबिन उथप्पा को निकोलस पुरन के हाथों कैच आउट कराकर राजस्थान टीम को दूसरा बड़ा झटका दिया। रॉबिन उथप्पा ने अपनी इस पारी में 23 गेंदों में 30 रन बनाए, लेकिन अब यहां से राजस्थान की पारी को जीत की तरफ ले जाने का पूरा जिम्मा संजू सैमसन और कप्तान स्टीव स्मिथ के कंधों पर था। इन दोनों को विकेट न गंवाते हुए तेजी से रन बनाना जारी रखना था और इन दोनों ने अपना काम बखूबी करते हुए राजस्थान की पारी को तेजी से आगे बढ़ाया। खास करके संजू सैमसन ने तो पंजाब के स्पिन गेंदबाजों के पर खच्चे ही उड़ा दिए। मुर्गन अश्विन और रवि बिश्नोई के ओवर में संजू सैमसन ने जम के रन बनाते हुए राजस्थान की टीम की रन गति को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन अच्छी खासी पार्टनरशिप पारी के 15वें ओवर में एक खराब रन लेने के चक्कर में टूट गई। दरअसल स्टीव स्मिथ ने एक शॉट खेलकर एक रन चुराना चाहा, लेकिन सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पर मैदान पर आए जगदीशन सुचित ने डायरेक्ट हिट सीधे स्टंप पर मारकर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन को रन आउट कर दिया। संजू सैमसन ने 25 गेंदों में 192 के स्ट्राइक रेट से 48 रनों की पारी खेली। अब यहां से राजस्थान की टीम को इस करो या मरो मुकाबले में जीतने के लिए अंतिम 30 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता थी और मैदान पर जॉस बटलर और स्टीव स्मिथ जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद थे और कप्तान स्टीव स्मिथ और जॉस बटलर ने पारी का 17वां ओवर डालने आए मोहम्मद शमी के एक ही ओवर में इन दोनों ने 19 रन जोड़कर इस मुकाबले को अंत में एक तरफा कर दिया और अंत में कप्तान स्टीव स्मिथ ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए इस करो या मरो मुकाबले में अपनी टीम के जीत हासिल करके पॉइंट टेबल में 2 पॉइंट। इससे पहले राजस्थान के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पंजाब की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी करने आए कप्तान लोकेश राहुल और मनदीप सिंह अपनी टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दे पाए और पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर मनदीप सिंह को जोफ्रा आर्चर ने बेन स्टोक के हाथों कैच आउट कराया। मनदीप सिंह इस मुकाबले में बिना खाता खोले ही आउट हो गए, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने आए क्रिस गेल ने कप्तान लोकेश राहुल के साथ मिलकर एक विशाल पार्टनरशिप खड़ी करी। इन दोनों ने मिलकर पारी के 14वें ओवर तक पंजाब की टीम का एक भी विकेट गिरने नहीं दिया। इन दोनों ने पहला विकेट गिरने के बावजूद पावर प्ले में लगभग 10 की औसत से रन बनाने जारी रखे, जिसमें क्रिस गेल ने एक बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन उसके बाद पारी का 15वां ओवर डालने आए बेन स्टोक ने कप्तान लोकेश राहुल को राहुल तेवटिया के हाथों कैच आउट कराया। कप्तान केएल राहुल ने अपनी इस पारी में 41 गेंदों में 46 रन बनाए, लेकिन जब कप्तान लोकेश राहुल आउट हो गए तब पंजाब की टीम ने 15वें ओवर में 120 का आंकड़ा पार कर लिया था। अब यहां से अंतिम ओवर में पंजाब की टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने का जिम्मा क्रिस गेल के कंधों पर था और गेल ने इस मुकाबले में एक तूफानी पारी खेलकर पंजाब की टीम की रन गति को अंतिम ओवर में तेजी से बढ़ाया। वहीं उनका साथ देने आए निकोलस पुरन ने भी बीच के ओवर में तूफानी बल्लेबाजी करी, लेकिन पारी के 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर निकोलस पुरन को बेन स्टोक ने राहुल तेवटिया के हाथों कैच आउट कराया। पुरन ने 10 गेंदों में तूफानी 22 रन बनाए।
लेकिन सेट हो चुके क्रिस गेल ने अंतिम ओवर तक अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी जारी रखी और इस मुकाबले में गेल अपने शतक के काफी नजदीक आ गए थे। अब अंत में गेल को शतक के लिए एक रन की आवश्यकता थी, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने एक बेहतरीन यॉर्कर डालकर क्रिस गेल को 99 रनों पर क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद क्रिस गेल बहुत ज्यादा निराश दिखाई दिए क्योंकि वह एक रन से अपने ऐतिहासिक शतक से चूक गए थे। लेकिन गेल की 99 रनों की तूफानी बल्लेबाजी के चलते पंजाब की टीम ने 185 रनों का विशाल लक्ष्य राजस्थान की टीम किया। तो दोस्तों, आप राजस्थान रॉयल्स की इस जीत का असली हीरो किस खिलाड़ी को मानते हो? आप उस खिलाड़ी नाम नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।